पहली बात तो ये कि मैं क्वार्टर्स के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ वॉकथॉन साइक्लोथॉन करते रहते हैं, हर बारी अलग अलग जो है मुद्दे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज जिसके बारे में हम यहाँ पर आके बात कर रहे थे वो ये है कि कैंसर जो है एक इतना बड़ा टैबू माना जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही जो है जिस इंसान को हुआ है वो तो परेशान होता ही है, पर उसके आसपास जितने भी लोग हैं जिसको खाना मिलता है वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो यही समझाने के लिए आज यहाँ पर है, पहली बात तो उसको टैबू समझना बंद करें, दूसरी बात इसकी डिटेक्शन अगर टाइमली हो जाए, अगर पहले ही टेस्टिंग करा ली जाए, स्क्रीनिंग करा ली जाए और शुरुआत में पकड़ा जाए तो ये 100% क्योरेबल है। सो आई थिंक दैट इज़ वाई वी केम हियर। बहुत अच्छा मैसेज था, साइकिल चला के लोग वैसे अपनी सेहत ठीक कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी सेहत और इम्प्रूव करने के लिए स्क्रीनिंग कराएं, यही आज समझाने के लिए आए थे। सो मेरी हैप्पी तरह सर। नितिन भाई, आप जिस तरीके से आरजे हैं, किस तरीके से देखो कि दिल्ली एनसीआर में आप छाए हुए हैं, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, आप लोगों को अवेयरनेस कैसे देंगे लोगों को? तो फोर्टिस के साथ मिलकर हमने पहले भी रेडियो पे काफ़ी कैंपेन किए हैं बिग एफएम पे और इसके बारे में हम दोबारा बात करने वाले। तो सर्विकल कैंसर जो है एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जो वैक्सीनेशन है अभी भी काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने लगवाई नहीं है। तो ये मेरी अपील है आज आपके माध्यम से, आपका चैनल जो इतने लोग देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें कि सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए। तो आप उठिए, मर्दों से मेरी रिक्वेस्ट है आप स्पेशली उठिए और आपकी घर की जितनी महिलाएं हाथ पकड़िए और लेके जाइए हॉस्पिटल और जाकर उनको ये सर्विकल कैंसर की जो है वैक्सीनेशन जरूरी। मेरा नाम यश रावत है और मेरे साथ मिस्टर महिपाल बनौट है। सो महिपाल बनौट जी हमारे एसपी हेड हैं, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। तो आज हमने जो प्रोग्राम रखा था खासकर ये कैंसर की अवेयरनेस के बारे में रखा था, जैसे आज नितिन ने भी थोड़ी देर पहले बताया, एंड इसमें हमारा प्रयास ये है कि जितने भी आसपास की कम्युनिटी हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंसर के बारे में बताएं। और इस मुहिम में हम लोगों ने कैंसर वैन जो है कि जो है उसके थ्रू हम लोग चेकअप कराएंगे। फिर जो कैंसर जो स्क्रीनिंग वैन है ये 14 दिन तक पूरे RWS में जाएगी, जिसमें हम लोग मेमोग्राफी जो कि एक बहुत बड़ा एक कैंसर का एक जरिया बनता है खासकर फीमेल में, तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है तो उसकी जाँच होगी और जाँच के थ्रू हम लोगों को जागरूक करवाएंगे। जो कैंसर वैन है वो पहुँचेगी हमारे पूरे साउथ दिल्ली में, जितने मैक्सिमम RWS हैं हम उसको ये कवर करेंगे। और हमारा ये माध्यम है कि इस जरिए से हम लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वो अपनी जांच के लिए आगे आएं, क्योंकि कैंसर को हराने का पहला जो उपाय है टाइमली जांच को। जांच करेंगे जल्दी, अगर कैंसर की स्टेज पकड़ में आती है तो हम उसके ऊपर पार लगा सकते हैं। हमेशा लोगों में एक डर है कि कैंसर का नाम सुनते ही हम कहते हैं लाइफ कैंसर, तो ये हमारे को जागरूकता फैलानी है कि लाइफ कैंसर नहीं है, कैंसर में भी कैन है कि हम इसको इस पे पार लगा सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता पैदा करें कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, अर्ली डिटेक्शन हो, टाइमली इलाज हो, ताकि हम कैंसर के ऊपर निजात पा सकें। आज जो साइकिल निकाली गई है कहां से कहां तक निकाली गई है? ये पूरे साउथ दिल्ली में हमारी ये चलेगी हमारी ये साइक्लोथॉन, और इसमें ओवर 700 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया है और ये पूरे साउथ दिल्ली को कवर करके जागरूकता फैलाएगी। जब लोग देखेंगे कि हमारे साइक्लिस्ट इसको इस अभियान में शामिल हैं तो जागरूकता फैलेगी पूरे पर पहुंची। कैंसर को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही फोटोज को, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये बहुत जरूरी है कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। जो लेडीज होती है कि छोटी छोटी बातें उनको पता नहीं होती, ध्यान नहीं रखती। आज जो फोटोज हमने प्रोग्राम किया है ये बहुत अच्छा है जागरूकता फैलाने के लिए। डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बता रहे हैं उन्होंने जो स्क्रीनिंग की, इससे लोगों को काफ़ी मदद मिली है। चाइना में 40 लाख न्यू केसेस है। चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन बराबर है, थोड़ा सा इंडिया थोड़ा सा भी ज़्यादा है, इसका मतलब नहीं है कि चाइना में ज़्यादा केस हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डिटेक्शन कम है। वो हमारा फोकस है, हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं कि ये कर रहे हैं अभी फोकस कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन के लिए ये कर रहे हैं।